5 बेटियों के बाद लड़का है या लड़की देखने के लिए प्रेग्नेंट पत्नी का पेट फाड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के एक गांव में अपनी ही गर्भवती पत्नी के पेट को फाड़ने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा पाए व्यक्ति को बेटे की चाहत थी इतनी ज्यादा कि उसने अपनी गर्भवती पत्नी के पेट को हसिये से फाड़ दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वो आदमी अपनी पत्नी अनीता और 5 बेटियों के साथ रहता था। घटने वाले दिन अनीता घर पर थी, 8 महीने की गर्भवती थी। पन्नालाल नशे की हालत में घर आया, पत्नी से झगड़ा करने लगा। पन्नालाल अब बेटा चाहता था। लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि उसने पत्नी का पेट फाड़ दिया। अनीता के परिवार वाले उसको अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। डॉक्टर ने अनीता की जान तो बचा ली, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे बेटे की मौत हो गई। एक व्यक्ति ने बताया था कि पन्नालाल और अनीता की 5 बेटियां हैं। इस वजह से पन्नालाल रोज उनकी बहन से लड़ाई करता था और दूसरी शादी करने की धमकी भी देता था। उस व्यक्ति ने पुलिस को ये भी बताया कि झगड़े वाले दिन पन्नालाल ने अनीता से कहा था कि वो लड़कियां ही पैदा करती है, इसलिए इस बार पेट फाड़ कर देखेगा कि लड़का है या लड़की। हसिये के हमले से अनीता की आंत बाहर आ गई थी। पुलिस ने घर वालों के साथ साथ अस्पताल वालों का बयान भी दर्ज किया। अब जाकर कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और ऐसी एक महिला की कहानी नहीं है, ऐसी कई महिला होंगी जिनके साथ ये जुर्म होते आ रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आज तक का किसी को नहीं मिल पाती। बेटे की चाहत को लेकर लोग पागल हो जाते हैं और इस तरह से जुर्म करने लग जाते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे रेडियो गनपुरिया और मैं थी ज्योति।